अयोध्या में तैयार हुए राम मंदिर में 22 जनवरी को रामलला विराजमान होने वाले हैं। इस दिन जिस मूर्ति को मंदिर के अंदर लगाया जाएगा उसको भी फाइनल कर दिया गया है। जिस प्रतिमा को चुना गया है वही इस मंदिर के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा के बाद विराजमान कराई जाएगी। आपको बता दें कि रामलला की मूर्ति को बनाने के लिए 3 मूर्तिकारों को चुना गया था। तीनों को ही इस मूर्ति को बनाने का काम दिया गया था। जिनमें से एक मूर्ति को मंदिर में लगाने के लिए चुना गया है वो फेमस मूर्तिकार अरुण योगीराज हैं, जिनकी बनाई गई प्रतिमा को फाइनल किया गया है। कर्नाटक के मैसूर के रहने वाले अरुण योगीराज काफी फेमस मूर्तिकारों में से एक हैं। इनका पूरा परिवार ही इसी काम को करता रहा है। उन्होंने भी इसी धरोहर को आगे बढ़ाया और मूर्ति बनाने की कला को पूरे देश में फेमस किया। आपको बता दें कि ये अपने परिवार के 5वीं पीढ़ी के मूर्तिकार हैं। उनके पिता ने इससे पहले गायत्री और भुवनेश्वरी मंदिर के लिए कार्य किया था। अब ऐसा ही खास मौका इन्हें मिला, उन्होंने राम मंदिर के लिए भगवान राम की मूर्ति को तैयार किया। अब वही प्रतिमा मंदिर के अंदर लगाई जाएगी। डॉट आपको बता दें कि मंदिर के अंदर लगने वाली मूर्ति को 5 साल के बच्चे के स्वरूप में तैयार किया गया है।